सोसाइटी है 2008 में रजिस्टर्ड हुई थी। इनकी पूरे हिंदुस्तान में 809 ब्रांचेस थी और अपना सुचारू रूप से काम कर रही थी। बीच में टीवी पे कोई प्रोग्राम आया कि साहब ये पैसे लेके भग गए, देन इस पर इंक्वायरी बिठा दी और इनके जो डायरेक्टर थे उनको बिठाई कस्टडी में डाल दिया। आज 3 साल हो गए हैं। उसके बाद जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी वो ईडी ने अटैच कर ली और इनके अकाउंट को सीज कर दिया और उस पर बिठा दिया लिक्विडेटर। और 3 साल हो गए सर, न तो कोई लिक्विडेटर ने काम करा ना ही किसी को पैसा मिला। इसमें सबकी जमा पूंजी बुजुर्ग लोगों की और वरिष्ठ लोगों की कि हर महीने पेंशन मिलती थी, ब्याज मिलता था, उससे उनका काम चलता था और अब किसी को पैसा नहीं मिला सर। तो बाबत की शासन हस्तक्षेप करे और उनको पैसा दिलवाए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री, ये समझ गया ना आपने, तो शॉर्ट में बताया, मैं समझ गया पूरा इस तरह से। बाकी डिटेल में आप बता दीजिए, सभी का ज्ञापन आपके द्वारा भेज रहे हैं। ज्ञापन हम नागदा के करीब 30 करोड़ रुपए नागदा के बुजुर्गों के पैसे उसमें जमा हैं और किसी कारणवश सोसाइटी बंद हो गई थी और सोसाइटी के अंदर जो मालिक होता है और एजेंट होता है, वो एजेंट जो है मध्यस्थता का काम करता है, उसके आधार पे ही ये ग्राहक पैसा जमा करता है। तो हमने बड़ी मुश्किल से सभी इन एजेंटों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके, और अब पहले तो कुछ एजेंट मतलब बात ही नहीं कर रहे थे, अब सबको लगा कि यार बात तो करना पड़ेगी इनको थोड़ा सा बनाया, तो ये बात करके और हम लोगों को एसडीएम साहब के पास लेके आए। एसडीएम साहब ने अपन को आश्वासन दिया है कि इस पर जो ज्ञापन दिया है इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और आप लोगों के लिए साथ न्याय होगी। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है रुकमा मीना। ये आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने पैसा जमा करा था? आपने जी करा था मैंने। कितना पैसा और कब जमा करा था आपने? मेरे को हो गए 4-1 साल हो गए, 4-5 साल। कितने पैसे जमा करते हैं? मैंने 2 लाख रुपए का रखे। मिल गए पैसे आपको वापस? नहीं मिला। क्या कह रहे हो? मैंने इधर सर्विस ली थी, मेरे पति ने और डाल दिए थे कि चलो अपना थोड़ा ब्याज आता रहेगा, उसमें डाल दिया। अब वो लोग कह रहे हैं कि ना तो ब्याज दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बड़ी परेशानी हो रही है, मेरे पति को लखवा है। कितने रुपए महीने की किस्त जमा करते थे? नहीं मिलता था ब्याज, जैसे अपन ने डाल रखा है ना उसका मिलता था। कितने टाइम से नहीं मिल रहा है? 3 साल हो गए अभी। एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के तत्वाधान में आज सर्किट हाउस में यह ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन जो है इससे संबंधित कि ईडी के द्वारा जो संपत्ति इन छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं जिसमें कि वरिष्ठों के द्वारा पेंशनर्स के द्वारा अपनी जो जमा पूंजी थी उसको इन्वेस्ट कर दिया गया था, लेकिन आज से 3 या 4 साल पहले जो एक माहौल बना उसके कारण यह जो इन कंपनी के ओनर्स थे उनकी प्रॉपर्टी को ईडी के द्वारा सीज कर दिया। अब इससे ये हुआ कि जो कई लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पेंशन की राशि है जितना भी उनकी जमा पूंजी थी उसको इन्वेस्ट कर दिया और ईडी के सीज करने के कारण वो उनको विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। इससे इनके सामने एक आर्थिक संकट प्रकट हो गया है और ये चाहते हैं कि ईडी ने जो फ्रीज किया है उसको लीगली अप्रोच करें या फिर उसमें एक कोई प्रशासक उसमें नियुक्त किया जाए जिससे कि इनकी जो जमा पूंजी है उसमें फ्रीज है वो उसको वापस लिक्विडिटी में आ जाए और इनको उससे लाभ मिल पाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू सभी के द्वारा ये बताया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि शासन से इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मन में हम लोग ज्ञापन पुरजोर तरीके से इसको रख देंगे। हमने ज्ञापन अपने एसडीएम साहब को दिया था कि हमारी जो समस्या है उनको शासन को अवगत करने के लिए। अब ये है कि हमारी सोसाइटी में बिठाया गया लिक्विडेटर आदर्श सोसाइटी के ऊपर, 2 साल हो गए हैं और आज की तारीख में मालिक सोसाइटी लिक्विडेटर है, उन्होंने हमारे पैसे के लिए कुछ भी नहीं करा है। उनका हमने बोला सर हमको पैसा चाहिए, तो बोलते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ईडी के पास अटैच है, जब तक उनके पास रिलीज नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे बोले। और उन्होंने ईडी से रिलीज करने के लिए हमारा कुछ करा नहीं है, ये उनका लेटर लिखा हुआ है, कॉपी उनकी लगी हुई है। कोर्ट में भी लोग गए थे पैसा मांगने के लिए तो कोर्ट को मना कर दिया मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। कितनी आउटस्टैंडिंग और कितनी एसेट्स है? सर इनके पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूएशन 2018 में हुई थी और इनको देना 8,000 करोड़ रुपये 2018 के हिसाब से, तो जितना इनको देना उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके पास है। और 20 साल के इतिहास इनका 20% सोसाइटी है, 20 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने बोला मुझे पैसा मांगा और मुझे नहीं मिला। सर नागदा में कितने एजेंट प्रभावित इससे? सर मैं समझता हूँ कम से कम 500 एडवाइज होंगे ज्ञापन जो मेंबर थे, सर वही मेंबर थे वही एडवाइजर करीब करीब। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगेगी सर? हमारा मांग ये है कि सोसाइटी के ऊपर लिक्विडेट हटाकर प्रशासक नियुक्त किया जाए और सभी मेंबर्स को पैसा दिलाया जाए जल्द से जल्द। रो सके सोसाइटी।